नए सत्र से नागपुर विश्वविद्यालय में नया पाठ्यक्रम बीबीएम, बीसीसीए और बीकॉम भी नई किताबें उपलब्ध होंगी। हालांकि कई प्रोफेसरों और शिक्षकों को इसकी जानकारी नहीं है। केंद्र सरकार द्वारा घोषित नई शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन को लेकर शिक्षकों और सरकार के बीच कोई स्पष्ट रूप नहीं है। हालांकि राष्ट्रसंत टुकड़ोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय जो अपना शताब्दी वर्ष मना रहा है, नए शैक्षणिक सत्र से एनईपी को लागू करने के लिए कमर कस रहा है। विश्वविद्यालय ने एक अधिसूचना जारी की थी और घोषणा की कि एनईपी को लागू किया जाएगा। नए साल में विश्वविद्यालय के वाणिज्य और प्रबंधन पाठ्यक्रमों के बीबीएम, बीसीसीए और बीकॉम के प्रथम वर्ष से लागू किया जाएगा। 34 साल के बाद देश में शिक्षा नीति में बदलाव आया है। केंद्र सरकार ने इसे लागू करने के निर्देश दिए हैं, लेकिन नीति के बारे में स्पष्टता की कमी के कारण कार्यान्वयन पिछड़ा रहा है। इसकी शुरुआत राष्ट्रसंत टुकड़ोजी महाराज नागपुर यूनिवर्सिटी से हुई थी। एनईपी को लागू करने का फैसला विश्वविद्यालय ने 8 जुलाई को हुई एकेडमिक काउंसलिंग की बैठक में लिया। लव यू दीपिका, बाय। सब जानना चाहते हैं, मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि।